दोस्तों बनाएंगे ना टमाटर वाले पोहे एक बार पंजाबी स्टाइल में और एक बहुत अच्छे ट्विस्ट के साथ। दोस्तों आप अगली बार इसको ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बाइट विद कौर में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज जिस तरीके से हम टमाटर के पोहे बना रहे हैं, एक तो एक बहुत जल्दी बनने वाला स्नैक ब्रेकफास्ट है और इसमें टमाटर का टेस्ट आपको पर्टिकुलरली आएगा। बना रहे हैं टमाटर का पोहा तो टमाटर तो उसमें फील होना ही चाहिए। एक कप पोहा लिया है, ये 180 ग्राम या 200 ग्राम के करीब होंगे। 2-3 बार इसको आप पानी से रिंस कर लीजिए और एक्स्ट्रा पानी हटा देते हैं हम उसको। बहुत अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पानी हटा दिया, इसको अच्छे से धो लिया है। 10 मिनट के लिए इसको साइड पर रख लीजिए, तब तक बनाते हैं तड़का। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ली है सरसों, जैसे ही मस्टर्ड यानी कि, और यहाँ पे मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको आप हल्का सा जो है सौते कर लीजिए। साथ में डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें, इनको भी आप इसका साथ ही जो है हल्का सा सौते कर लीजिए। 10-12 कड़ी पत्ते ताज़े हैं तो वो डालिए, जला लीजिए हल्का सा। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ टमाटर की प्यूरी। अब यहाँ पे दोस्तों टमाटर का काम ख़त्म नहीं हुआ, ये तो पहली बार में हमने डाला है। उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच एक अच्छे से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। इन तीनों को मिला करके फिर से चला लेते हैं। जैसे ही मसाला हमारा जो है ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद फिर हम डालेंगे फिर से टमाटर। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे आधे टमाटर को मैंने इस तरह से जो है छोटा छोटा काट लिया और आधे टमाटर को मैंने स्लाइस में काटा। तो जो छोटे छोटे टमाटर हैं वो जो है आपको दिखे नहीं गेरी, लेकिन प्यूरी भी आपको नहीं दिखेगी, ये जो स्लाइस किए हैं वो आपको दिखाई भी देंगे। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट के लिए डाल रही हूँ शिमला मिर्च। दोस्तों शिमला मिर्च डाल के इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और जिस तरीके से मैंने ये टमाटर को डाला है, मैंने प्यूरी भी डाल दी, मैंने चॉप करके भी डाल दिया और स्लाइस भी डाल दिया, तो 3 तरीके से हमने टमाटर इस्तेमाल किए हैं। और ये टमाटर पोहा है तो टमाटर का पोहा फील भी होना चाहिए, स्वाद में भी आना चाहिए और दिखना भी चाहिए। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया तो। ये जो हमने 10 मिनट के लिए पोहे को रेस्ट के लिए रखा था, इसको हम फटाफट से जो है हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। देखिए पोहा हमारा एकदम से खिला खिला हो गया। अब यहाँ पे ही दोस्तों मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून धनिया, क्योंकि धनिया जब हम बाद में डालते हैं तो पोहा टूटने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है पोहा एकदम रेडी हो चुका है। अब हमें नमक का अंदाज़ा भी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, 1/2 चम्मच जो है नमक। दोस्तों पोहा जब हम इस तरह से देख लेते हैं, सोक करने के बाद हम रख लेते हैं, उसके बाद उसको मिक्स करते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कितना नमक डालना है। तब आप नमक डाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पोहे को मिक्स कर देते हैं। बस दोस्तों अब आपने पोहे को अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारा टमाटर का पोहा विद पंजाबी ट्विस्ट हो गया तैयार। यहाँ पे हमने टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल की है, टमाटर को हमने चॉप करके स्लाइस करके भी इस्तेमाल किया और शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। और दोस्तों अभी आप 2 मिनट के लिए पोहे को जो है ढक के ज़रूर रखें, अभी हमारी गैस ऑन ही है। 2 मिनट ढक के रखेंगे तो पोहा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो बस आप गैस ऑफ कर दीजिए, ये हमारा टमाटर वाला पोहा बनके तैयार है। दोस्तों मेरे चैनल पे और भी पोहे की रेसिपीज़ हैं जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई कोकोनट पाउडर या ताज़ा कोकोनट डाल सकते हैं।